तो ये देखिए कंडीशन ऐसी हो रखी है यहाँ पे, अभी काफ़ी लोग तो जा चुके हैं यहाँ से, सुबह से काफ़ी पानी कम हो गया। हाँ माने काफ़ी ऊपर चल रहा था। नमस्कार, प्रणाम, पलक, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है प्रेमा ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर जो 3 दिन से जो बारिश हो रही है ना, 3-4 दिन से, उससे हमारे बाजपुर में काफ़ी नुकसान हो चुका है और कई लोग जो ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं। हम लोग तो अपने घरों में अंदर हैं ना, तो हम लोग काफ़ी अच्छा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर जो लोग हमारे इधर मार्केट साइड हैं या हमारे पीछे की साइड जो लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति हो गई थी। तो आप लोग को मैं भी दिखाती हूँ कि हमारे बाजपुर में कितना नुकसान हो गया है, तो बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी जस्ट मैं वहीं जा रही हूँ और आप लोग को दिखाऊँगी कि हमारे बाजपुर में ना बारिश की वजह से कितनी कंडीशन ख़राब हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरे देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग के शहर में भी इतनी ही बारिश हो रही है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मैं आपको लोकेशन में लेके चलती हूँ। अभी जस्ट मैं जा रही हूँ आपको दिखाने कि हमारे इधर ना बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, काफ़ी बुरी कंडीशन है, पता नहीं लोग कैसे रह रहे होंगे। अभी आपको दिखाती हूँ कितना घर डूब गए हैं। तो काफ़ी बुरी कंडीशन हो रखी है यहाँ पर, सारा का सारा पानी जो है ना अभी चल ही रहा है, जैसे नदी नहीं चलती है, अभी पानी धीरे धीरे जो नालियाँ बनी है ना उनके जरिए बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे ही साफ होगा। तो अभी काफ़ी बुरी कंडीशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए कितने दिनों में ये पानी सही होगा। और इस वजह से ना घर के अंदर जो लोगों की सीलन आती है ना, तो काफ़ी नुकसान पहुँचता है घरों को। इतनी मेहनत करके इंसान घर बनाता है, उसके बाद ऐसा हो तो कितना दुख लगता है, जब मेहनत की कमाई लगा के इंसान अपना घर बनाए और ऐसा हो जाए आपदा के कारण, तो बहुत दुख होता है इस चीज़ से। तो काफ़ी बुरा लग रहा है ये सब चीज़ें देखकर। तो ये देखिए कंडीशन ऐसी हो रखी है यहाँ पे, अभी काफ़ी लोग तो जा चुके हैं यहाँ से, सुबह से काफ़ी पानी कम हो गया। हाँ माने काफ़ी ऊपर चल रहा था। पानी जाए कहीं को, तो आगे काफ़ी जगह पानी जा रखा होगा सब जगह। आप सामने जाओ, वो जो सफेद पीला मकान है ना, अब तो कम हो गया, कल तो बहुत चल रहा था। ये नालियाँ ब्लॉकेज पड़ी हुई है ना सारी, अभी तो सिर्फ थोड़ी बरसात हुई है तो ये हाल है। बारिश कहाँ हुई, बगैर बारिश का पानी आई है। कितने बजे आया है ये आया है तुम्हारा? 5 बजे। 5 बजे से आया पानी, खराब है अभी यहाँ पर, तो ये निकासी का होना चाहिए यहाँ पे ना। यहाँ लोगों की परेशानी देख के पता चल रहा है कि कितना परेशान है। अरे हाँ, वो लोग चले गए हैं, देखिए यहाँ पे रहते थे वो लोग जा चुके हैं, तो कंडीशन इतनी खराब है। तीजी से पता चला आंटी जी लोग के सिलेंडर वगैरह भी चले गए थे, बताइए। तो इतनी कंडीशन ख़राब हो रखी है यहाँ पर, तो ऐसे माहौल बने हुए हैं अभी इधर। चलिए कुछ ना कुछ तो होगा ही, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, लोगों की कोशिश होनी चाहिए, नगर पालिका की कोशिश होनी चाहिए, होना चाहिए, सही बात है। नगर पालिका को करना चाहिए ना इंतजाम कि निकासी पानी जाया जाए, वैसे तो इंतजाम करते हैं पर इस टाइम के लिए होने चाहिए ताकि लोगों को जो परेशान, इस टाइम के लिए कौन देखे, इस टाइम के लिए होना चाहिए जिस टाइम पे लोगों को परेशानी हो रही है ना अभी। तो मैं इसीलिए खासकर आई थी कि यहाँ की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। ये आप लोगों ने देखा, मैं जिन आंटी से मिली ना, उनके तो सिलेंडर तक चले गए थे पानी में, उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों से कह कह के निकलवाए। तो काफ़ी बुरी कंडीशन है, काफ़ी बुरा लगा ये सब सुन के भी। तो सोचिए जिनके ऊपर बीतती है वही जानते हैं कि कैसा हुआ होगा। तो ये जो नालियाँ बनी हुई है ना, यहाँ से ना पानी बाहर नहीं जा पाता है, इस वजह से ये ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए ना नालियों की सफाई अगर हो जाए टाइम टू टाइम, तो ये कंडीशन नहीं होगी। तो काफ़ी बुरी कंडीशन हो रखी है अभी। तो आंटी के मुँह से सुनाना तो काफ़ी बुरा लगा, ऐसा लगा हम अपने घर में सेफ़ हैं, पर जो लोग ऐसा सब कुछ झेल रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो आने वाले टाइम पे ये कंडीशन ना हो, इसके लिए
बाजपुर में विकास होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे बाजपुर में कैसी कंडीशन हो रखी है, तो बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है, तो काफ़ी लोग तो अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, तो काफ़ी बुरा लगा देखकर। आई होप आप लोग के शहर में सब लोग सुरक्षित होंगे। तो आज के ब्लॉग की मैं एंडिंग यहीं कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देते रहेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।